हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे कि मोबाइल फ़ोन से आप कैसे अच्छे टाइमलैप्स वीडियोग्राफी कर सकते हो। आजकल के जो स्मार्टफोन है उसमें टाइमलैप्स ऑप्शन इनबिल्ट रहता है, तो आप वो ऑप्शन ऑन करके इजीली टाइमलैप्स वीडियोग्राफी कर सकते हो। सिर्फ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा, वो है एक नंबर, अगर आपके पास एक ट्राइपॉड है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टाइमलैप्स चाहते हो तो उतने देर तक आप अपने हाथ को वैसे एक जगह पर नहीं रख पाओगे। अगर आपका हाथ मूव हुआ तो वो टाइमलेस वीडियो जो होगा वो स्टेडी नहीं आएगा, स्टेबलाइज वीडियो नहीं होगा। इसलिए मैं कहूँगा कि आप एक ट्राइपॉड ले लो और ट्राइपॉड पे ट्राई करो। और सेकंड ऑप्शन है टाइमलेस वीडियो करने के लिए, आपको बहुत समय तक मोबाइल का जो कैमरा है वो ऑन करके रखना पड़ेगा, इसीलिए मोबाइल को आप फुल चार्ज करके रखो। और तीसरा पॉइंट है, आप जब टाइमलेस वीडियो करो तो आपका जो टाइमर है, मैं आपको वो सेटिंग में दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं कैमरा को ऑन करता हूँ और उसके बाद वीडियो में आता हूँ। और वीडियो में यहाँ पर सेटिंग्स है, इस सेटिंग्स में आप जाके यहाँ पर देख सकते हो, ये जो टाइम लैप्स इंटरवल है इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारे सेटिंग्स है, 2x 4x 10x। अगर आप 2x सिलेक्ट करोगे तो थोड़ा फास्ट होगा, अगर 4x करोगे तो और फास्ट होगा, और 10x करोगे तो और फास्ट होगा। मतलब आप जितनी ज़्यादा टाइम यहाँ पर सिलेक्ट करोगे ज़्यादा, उतनी फास्ट आपका टाइम लैप्स होगा। तो इसका फंक्शन क्या है, समझ लो आप क्लाउड की टाइम लैप्स वीडियो कर रहे हो और बहुत हवा चल रहा है, क्लाउड फास्ट मूव कर रहा है, तो आप यहाँ पर जो 2x है उससे भी शुरू कर सकते हो, या फिर जो 4x वीडियो है उससे भी शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आपका हवा नहीं चल रहा है और क्लाउड बहुत स्लो मूव कर रहा है, तो उसका मूवमेंट आप टाइमलेस वीडियो में दिखाने के लिए आपको कम से कम 10x या 30x का जो टाइमलैप्स इंटरवल है वो रखना पड़ेगा। मैं सजेस्ट करूँगा कम से कम आप 4x यूज़ करो, 4x अगर यूज़ नहीं करोगे तो टाइमलेस वीडियो का जो इफ़ेक्ट है वो आपको ठीक से नहीं दिखाई देगा। मैं यहाँ पर 10x सिलेक्ट करके मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ, इस डेमो को देख कर आप समझ सकते हो कि आपको कैसे टाइमलेस वीडियो करना है। अगर आप छोटा सा टाइमलैप्स करना चाहते हो 2 मिनट का या 3 मिनट का, तो आप हैंड हेल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइमलेस वीडियो बनाना चाहते हो तो आपको एक ट्राईपॉड चाहिए, और ट्राईपॉड पर रख के आप वो टाइमलेस वीडियो करो। चलो मैं यहाँ पर आपको एक डेमो वीडियो शूट करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको 10x पर डाल दिया है, और 10x पर डाल के यहाँ पर जो टाइमलैप्स है इसको सिलेक्ट किया है, और इसको मैं एक ट्राईपॉड पर रख देता हूँ। तो मैंने अपने कैमरे को यहाँ पर एक ट्राईपॉड पे लगा दिया है और एक जगह यहाँ पर स्टैंड कर दिया है। तो मैं वाइड एंगल जो लेंस है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए बहुत ज़रा वाइड एरिया आएगा। और आप कैमरे के पोजीशन को ऐसे सेट करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाउड व्यू हो। तो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ कैमरे के एंगल को और इसको ऑन कर देता हूँ। मैंने देखिए यहाँ पर जो मेरा मोबाइल है उसको मैं एक मिनी स्टैंड पर, ट्राइपॉड स्टैंड पर लगा के रखा हूँ। ट्राइपॉड को एक ऊंचे जगह पर रखा हूँ ताकि अच्छे एंगल ऑफ व्यू मिले। यह जो ऊपर क्लाउड है उस तरफ मैंने ये मोबाइल का एंगल करके रखा है, और यहाँ पर चल रहा है तो मैं 10 या 15 मिनट का टाइम लैप्स बनाता हूँ, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे आता है। तो इसका जो टाइम लैप्स इंटरवल था वो था 10x का, और इसके बाद मैं इसको और थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसको 30x स्पीड दे देता हूँ, और उसके बाद आप देखिए उसका डेमो कैसे आता है। मैं 60x टाइम लैप्स इंटरवल यूज़ करता हूँ, तो मैं इसको 60x टाइम लैप्स मोड में डालकर आपको डेमो दिखाता हूँ कि 60x टाइम लैप्स में कैसे आता है। तो ये देखिए
मैं जो टाइम लैप्स का 60x इंटरवल दिया था उसका डेमो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो क्लाउड्स है वो पहले से काफ़ी फास्ट मूव कर रहे हैं, मतलब जो 10x स्पीड में था तब इतना फास्ट मूव नहीं कर रहा था, और 60x में वो पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं। तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो क्लाउड कितनी फास्ट मूव कर रहा है, और उस हिसाब से आप अपना जो इंटरवल है टाइम लैप्स का वो आप चूज़ कर सकते हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और यहाँ पर लाइक और कमेंट करके भी बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।